विश्वविद्यालय में था और इस दीक्षांत समारोह के अंतर्गत आज तमाम विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि बालिकाओं की जो संख्या थी वो काफ़ी अधिक थी। आज विश्वविद्यालयों में एक परिवर्तन का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालयों में पठन पाठन समय से हो, समय से रिजल्ट आए, समय से परीक्षा का जो क्रम है वो प्रारंभ हो सके। कोरोना के संक्रमण काल में भी ऑनलाइन टीचिंग पर हमने जोर दिया था। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद हमारा प्रयत्न ये है कि डिजिटलीकरण पे हम जोर दें और जो पाठ्यक्रम का कॉमन कैरिकुलर है 70% वो एक सा हो सभी विश्वविद्यालयों में, 30% कोर्स ऐसा हो जो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर तय करे। तमाम नए विश्वविद्यालय हम लोग खोल रहे हैं, राज्य विश्वविद्यालय जिसमें अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के रूप में खोल रहे हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, खेल विश्वविद्यालय है, आयुष विश्वविद्यालय है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है और विधि विश्वविद्यालय है, इनकी स्थापना भी की जा रही है। तमाम जनपदों में निजी विश्वविद्यालय विभिन्न आयामों में, जैसे अयोध्या में प्रस्ताव है कि वो श्री राम विद्यालय विश्वविद्यालय के रूप में वो स्थापित करना चाहते हैं, कुछ निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय खोलने वाले लोग। तो इसी प्रकार से अलग अलग विषयों पर विश्वविद्यालयों का पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो सके, इसकी पूरी कोशिश की गई है। जो शिक्षा के अंतर्गत अभी उच्च शिक्षा में मैंने कहा कि समय से परीक्षाएं हों, उसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा में भी 24 अप्रैल से हमारी परीक्षाएं होंगी, नकल विहीन परीक्षा हो। इसके लिए 191,000 CCTV कैमरा और 180,000 से ऊपर शिक्षकों के द्वारा इन्विजिलेशन की प्रक्रिया, सभी जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट का की नियुक्ति हो और परीक्षा केंद्रों का जो संचालन है, निर्धारण है, वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। पूरे प्रदेश में इस बार 10% के आसपास पिछले वर्ष से जो परीक्षा केंद्र होंगे वो ज़्यादा होंगे और पाठ्यक्रम हमारा जो कोर्स है वो 30% कोर्स कम करके जुलाई से ही उसको हमने निर्धारित कर दिया था। जो हमारे पाठ्यक्रम का जो प्रश्न पत्र होंगे वो 30% कम पाठ्यक्रम के आधार पर ही आएंगे और हमारा पूरा प्रक्रिया है कि शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन और प्रवर्धन हो। इसके लिए जगह जगह दीक्षांत समारोह में भी हम लोग जा रहे हैं और इसका एक अवसर होता है जब हम विश्वविद्यालय द्वारा जो शैक्षिक प्रक्रियाओं को संपादित किया गया उसका हम विश्लेषण कर सकें। नहीं, देखिए पाठ्यक्रमों का परीक्षण ये बदलने का, हटाया गया शब्द नहीं ठीक है, उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया सभी विश्वविद्यालयों में चलती है और वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोरोना काल स्कूल कॉलेज चले नहीं, लेकिन जो एग्जाम है सर, जो बच्चों के लिए प्राइमरी की माध्यमिक है, मैंने पहले बताया कि हमारी ऑनलाइन कक्षाएं जिसमें लेक्चर्स को अपलोड करके हम लोग करते थे, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, ई गंगा पोर्टल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, प्री लोडेड टैबलेट के माध्यम से, ये ऑनलाइन कक्षाएं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं हमारी चली हैं। 30% कम पाठ्यक्रम करके हम समय से परीक्षाओं को संपादित करें। सर, कृषि कानून की अगर बात करें तो पश्चिम में सभी विपक्षी दल अपना निशाना साध रहे हैं, किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर भाजपा क्या कृषि कानून में कोई बदलाव लाएगा? देखिए, अन्नदाता हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसानों की आमदनी दुगनी हो इसके लिए माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी दोनों प्रयत्न कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश ये है कि समय से बिजली हो। बिजली 18 से 22 घंटे हम गांवों में दे रहे हैं, हम घर घर टॉयलेट्स हमने दिया है, घर घर हम प्रधानमंत्री आवास उनको मिल सके, गैस के कनेक्शन उनको मिल सके, खाद बिजली पानी और सिंचाई के साधन उनको मुहैया हो सके और उनके ऋण का सरलीकरण हो सके, इन सारी बातों पर उनको सम्मान निधि मिल सके, इन पे हमने ज़्यादा जोर दिया है कि किसानों का उन्नयन हो और उनको जो शहर की सुविधाएं हैं वो गांवों तक पहुंचाने की प्रक्रिया हम कर सकें। इसलिए हमारी प्राथमिकता किसान है और कुछ लोग अगर दिग्भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं तो सफल नहीं होने वाले, क्योंकि किसान और मोदी जी एक दूसरे के पर्याय हैं।
सर, आपने तो बिजली की बात कही है, किसानों का कहना है कि बिजली पे भी अब किसानों से ज्यादा वसूली की जा रही है, 25,000 रुपए ट्वेल लगाने के नाम पर ही जा रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ बिजली के 2 वर्ष से तो कुछ दाम बढ़ा ही नहीं गए। मैंने कहा ना कि अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है, और अन्नदाता के उन्नयन के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी आय को वृद्धि करने के लिए जो भी प्रयत्न उत्तर प्रदेश सरकार से हो सकेंगे वो करती रहेगी।